मुझात ने दिए, कानात ने दिए। जी वालेकुम सलाम, कहाँ पर हैं? आ जाएं जल्दी जल्दी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद सैयद काशिफ हमीद ऑफ मुल्तान, उनकी छत पर। और लास्ट हमने अभी कुछ दिन पहले ही उनका शौक करवाया था, लेकिन चूंकि उन दिनों कुछ मसाइल इस तरह के थे कि रोड ब्लॉक और इस तरह करके, तो हम लेट पहुँचे तो वो शौक जो है वो करवाया ज़रूर। अच्छा शौक था, अच्छा ही शौक हुआ, लेकिन वो मज़ा और वो जो है ना खूबसूरती उस शौक में इसलिए नहीं आई कि वो टाइम जो है एक अच्छा नहीं हमें मिला, तो वो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि यार ये शौक आप दोबारा करवाएं, और ये शौक आप करवाएं दिन में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कबूतर को देख सकें। तो हमने फिर प्लान किया कि हम काशिफ भाई की तरफ चलते हैं, और काशिफ भाई के साथ टाइम किया हमने। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें टाइम दिया, और आज हम इनको इनका शौक जो है अब ये दिन में की रोशनी में जो है आपको शौक करवाएंगे, प्रॉपर शौक करवाएंगे, और ताकि आपको अंदाज़ा हो। इस दफ़ा माशाल्लाह 2022 गुजरा है, इसके जितने भी सीजन्स हैं आप अगर चेतर से लेके और अस्वज तक आ जाएं, तो उस्ताद काशिफ हमीद साहब के जो इन सीजन्स में रिजल्ट रहे हैं वो टॉप 10 में ही रहे हैं। टॉप 10 के बाद फिर अगर देखा जाए तो टॉप 5 में भी रहे हैं, अगर देखा जाए तो टॉप 3 में इनका सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। और उसमें बहुत से टूर्नामेंट्स ऐसे हैं, अनगिनत टूर्नामेंट्स हैं जिनमें ये पहली पोजीशंस पर हैं, चैंपियन रहे हैं। मेरे ख्याल 3 या 4 टूर्नामेंट में मैंने तीसरे नंबर पर अनाउंस किया होगा, और उस ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में ये पहली पोजीशन पर आए। 2-4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जिनमें शायद नीचे आए होंगे, वैसे उम्मीद मेरे ख्याल 1 या 2 टूर्नामेंट थे जिनमें नीचे थे, वो भी 5वीं या 6ठी पोजीशन थी या 5वीं थी, एक में। हाँ, बस एक में थी। हाँ, एक ही टूर्नामेंट था उसमें 5 पोजीशनें थी, बाकी तो उसमें कुछ थी। एक बेस्ट एवरेज के बहादुर बच्चे कबूतर, उनके भी बड़े जो है। हाँ, पिजन ऑफ टूर्नामेंट, इस तरह के इनामात इसके अलावा हैं जो इनको माशाल्लाह इन्होंने विन किए हैं, और आपने वो तकरीब भी सब लोगों ने, दोस्तों ने देखी होगी। तो बड़े दोस्तों की फरमाइश पर आज जो है हम यहाँ पर आए हैं, और इस वक्त आपको शौक करवाएंगे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब का, हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी से ताल्लुक़ है। उस्ताद मियां नज़ीर पार्टी का झंडा अपने शहर में सर बुलंद किया हुए हैं, और ब्रीडिंग के हवाले से भी इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ये ब्रीडिंग मास्टर हैं, हम तो यही कहेंगे। बड़ी टिप्स इनसे मिलती हैं, बड़ा अच्छा इनका शौक है, और परवाज के हवाले से भी देखा जाए तो अपनी मिसाल आप हैं, ये खुद भी, इनके भाई आतिफ भाई भी, और साथ इनकी टीम का जो ये हिस्सा, नाम क्या है इसका, नासिर भाई जो हैं ये पीछे खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें, ये तो ये इनकी टीम है, और इस टीम का जो है ये रिजल्ट है जो आपको मैंने बताया। 2022 में इन्होंने नहीं आगे आने दिया लोगों को, इन्होंने कहा नहीं जी इनाम मेरे घर में यहीं पर तकरीब होगी, यहीं पर रख के जाना है, वजन ज्यादा हो जाएगा, आप लोग कैसे लेकर जाएंगे। तो माशाल्लाह तकरीबन 26 से 28 ट्रॉफीज हैं मेरा ख्याल जो इनके पास, इस दफा सिर्फ अस्वज की थी।
पूरे साल की तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी बन जाती है। हाँ ऐसे ही बन जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? काशी भाई, लोगों ने बहुत उस दिन कहा कि यार शौक का बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर दिन में होता ना तो और कमाल होता, और मजा आता। तो हमने सोचा कि पिछली बार भी करवाएं, मैंने भी आपसे की थी। हाँ, रात को जाहिर है आपकी मेहरबानी, आपने टाइम भी दे दिया, मसरूफियत होती है। तो आज हम दिन में ये शौक करवाना चाह रहे हैं। तो ये कबूतर, सबसे पहले तो हम जो कबूतर दिखा रहे हैं, ये मियां साहब वाले कबूतर, आपके वाले या मियां साहब वाले? एक बार नहीं है, मियां साहब वाले। हाँ नहीं, मतलब आप उन्हीं के शागिर्द ना, आपकी छत पे जो भी कबूतर आपके नाम से दिखा रहे हैं वो सारे उन्हीं के कबूतर। दूसरी, आपने बड़े नाम की बात की, देखिए बड़ा नाम तो अल्लाह का है, और बाकी जो हमें भाग लगे हुए हैं वो सब हमारे उस्ताद मियां नजीर साहब की वजह से हैं। तो हमारा अपना इसमें कोई इतना, मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, उन्हीं के कबूतर हैं। आप प्लीज़ शो कराएं, मैं ये फ़ोन ले लूँ। नहीं नहीं, आप फ़ोन लें जी, हम ये कबूतर दिखा रहे हैं, इंसान कबूतर है सलारा जी। जी ये सलारा इंसान कबूतर आपको दिखाते हैं। यही रखें, देखें माशाल्लाह, एक तो इसकी चमक देखें, जर्रात देखें इस कबूतर के, और इसका नूर देखें। अभी वैसे भी हम छांव में इसलिए बैठे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना शौक इजी आपको करवा सकें। बहुत शानदार कबूतर, इसको तो पहले, सबसे पहले ना इसको ब्लॉक करो, कतरी वीजे वाले जो आ जाते हैं ना, ब्लॉक कर दे इसको, अब जूम आउट कर दे। ये देखें जी, इसका कलर देखें, कैसा खूबसूरत कलर है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल जी हाँ पुराने झोले में या लकवे में, ये मेन ब्रीडर कबूतर आपको दिखा रहे हैं। इसके 5-7 बेटा बेटियां मैंने आगे छोड़ा मेरे को। अच्छा, ये देखें कैसा शानदार इसका वकार। आगा साहब बहुत शुक्रिया, वहीद खान साहब, पर देखें कितने शानदार पर हैं इसके, बिल्कुल फिटिंग में कबूतर है पूरा। और ये बड़े अरसे से मेरे ख्याल ब्रीडिंग में होगा, उसके बावजूद ये जिस्म नहीं इसने छोड़ा कि ये कोई मोटा हो जाता फूल जाए इस तरह का, स्मार्ट कबूतर है। बल्ले क्या लेंथ शेंथ हर चीज़ कमाल है इसकी माशाल्लाह। काश भाई, ये जो सलारे कबूतर हैं, इंसान कह लें इसको, जो भी हम कहते हैं जी जी, ये मतलब ये बेस हैं, बाकी जितने सलारे बनते हैं डिफरेंट कलर जो हम जिनको खाली सलारा कहते हैं या वो है, उन सबकी बेस यही कबूतर है। बेस का तो मैं कोई इतना बहुत ज़्यादा आपको शोर होकर नहीं कह सकता, लेकिन बात ये है कि ये एक ऐसा कलर है कि इससे आप टेडियों में और जितने भी कलर हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं, रिच कर सकते हैं उनको। अच्छा, अब जैसे ट्यूबल वाले टेडी भी बड़े मशहूर हैं, वो ज़रा फीके होते हैं, तो अल्लाह जन्नत में जगह दे, मियाँ साहब कहते थे कि उनसे आप ऐसे गहरे नहीं बना सकते, तो गहरों से फीके बना लेंगे आप। सही, तो मकसद है कि जो एक बिल्कुल, इसका मतलब है जो ओरिजिन है, ये जो एक जो मेन चीज़ है वो ये कलर है। अच्छा, फिर इसी में से बच्चे निकल आते हैं जिनके 10-10 पल्ले भी काले होते हैं। हाँ, तो ये देखें इसमें भी काफ़ी पल्ले काले, एक आधा ही सफेद आ रहा है। ये इसी की बेटी है, ये इसकी मादा है। अच्छा, इसकी मादा है जोड़ा। हाँ जी, लगा। चलिए शहजाद साहब, हैदर शाह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उस्ताद मनजीत सिंह साहब, जो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस्ताद शेख अयूब साहब, कामिल जदी साहब, मलक बाबर साहब, उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए, उस्ताद मलिक बाबर पैरागोन, उस्ताद मियाँ अजीम साहब उस दिन भी हमारे साथ थे माशाल्लाह लाइव, आज भी होंगे इंशाल्लाह भी, वो देखते ज़रूर हैं बाद में ही सही, देखेंगे ज़रूर। ये देखें जी पर इसका, क्या शानदार पर है, बहुत कमाल। अच्छा, ये जोड़ा आपने खुद लगाया काशिप जी? जोड़ा खुद। ये देखें, और ये भी वहीं से आई है कि ये घर की है? इसका बाप वहां से है। बाप इसका वहां से, वो जो पुराना कबूतर था जी, जो पुराना वो छोड़ गया था, मेरे शागिर्द की तरफ गया है, बड़ी अच्छी मेहनत कर लेता है वो। अच्छा, उस पर मेहनत कर रहा है, चले एक दो उसके अगर
एक दो अंडे फर्टाइल हो गए तो ये है कि चले लॉटरी निकल आएगी। इसमें अपने दोस्त बड़े कामयाब हैं एक। अच्छा चले वो फिर आप उनको जानते हैं अच्छी तरह फ्रांस। अच्छा 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 ठीक है भैया। कौन बोला? अरमोगान जी। अरमोगान चले उनसे बात करेंगे। हाँ ये जो अभी मैं 15-20 दिन पहले गया था अजीम भाई ने ये ये इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है उन्हीं कबूतरों में। वाह वाह कहीं भी मियां साहब के बाद अब आपके पास पहले तो इतना के जो एक मेन बात थी करो दोबारा ज़ूम आउट करो। मियां साहब होते थे जब तो उस वक्त हमें किसी से पूछने पूछाने की ज़रूरत ही नहीं ना कुछ भी जो बात चाहिए। मियां साहब हैं मियां रऊफ साहब हैं मतलब उनके भाई हैं अभी भी मियां इफ्तिखार साहब जी हाँ बिल्कुल उनसे लेकिन उनसे आपकी मुलाकातें कम है मियां इफ्तिखार साहब से या मियां सईद साहब उन लोगों से जी, तो आपकी ये इन दो से ज़्यादा रही हैं मियां रऊफ साहब से और मियां नज़ीर साहब तो आपके उस्ताद थे। हाँ मियां रऊफ साहब से अगर हम देखें तो सुप्रीम क्लास तो यही है ना कि जी जो हमारे उस्ताद हैं मेन पहला तो घर वही बनता है हर चीज़ उनसे ही सीखी। अब जब मियां साहब नहीं है कभी कोई चीज़ दिल में आई जाती है कि यार ये चीज़ भी पूछनी चाहिए थी ये चीज़ पूछूँ तो अब आपके पास मियां एहसन रशीदपुरी साहब हैं या मियां अजीम साहब हैं तो आप समझते हैं कि उतना तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है? नहीं बिल्कुल मिल जाता एहसन भाई से भी कभी कहीं इंसान फंस जाता है उड़ाने में। असल में समटाइम जो होता है आपका जहन नहीं काम कर रहा होता तो जब आप मशवरा ले लेते हैं ना तो उसका फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसी क्या बात है बहुत शानदार। अच्छा आपका आपको पता होता है आप उड़ान में लगे होते हैं कहीं आप फंस जाते हैं तो आपको पता लेकिन आपका जहन नहीं काम कर रहा होता तो मियां एहसन साहब से भी मशवरा हो जाता है। असीम भाई से तो खैर रोज ही रब्ता होता है हर तरीके से। क्या आप समझते हैं मैंने तो लास्ट जब कासिम के साथ ही गया था कबूतर देखे थे उससे पहले उससे एक दो साल पहले गया था तब भी कासिम के साथ ही जाके मैंने कबूतर देखे। जो पिछले साल मैंने कबूतर देखे थे ना वो नज़रों से नहीं जाते ऐसे ही अजीम भाई के ऐसे ही। तो आपका जहन क्या कहता है कि क्या मियां साहब के बाद उन कबूतरों को उसी जगह पे मेंटेन रखना या उनसे बेहतर की तरफ जाना? बेहतर की तरफ तो खैर हम कह नहीं सकते क्योंकि एक एहतराम भी हमारे यहाँ होता है लेकिन ये कि चलता तो रहता ना इंसान बेहतर से बेहतरीन की तरफ। तो क्या आप समझते हैं कि अजीम भाई उस लेवल पे ब्रीडिंग में जा रहे हैं? मुझे तो बड़ा मज़ा आया था लास्ट। बहुत बात मैं करता हूँ आपके तवस्सुल से मैं लोगों को बताता हूँ। मियां साहब से जब मैं आखिरी मरतबा मिला मियां नज़ीर साहब से तो अलील थे उन दिनों वो जी जी तो सर्दियाँ थी हल्की हल्की धूप थी तो वो ऊपर छत पर आ गए शो करने। सही। तो अजीम भाई उस दिन बड़े खुश थे कह रहे कि बहुत अरसे के बाद जो है ना अबू आज ऊपर आए हैं। अच्छा चूँकि ज़रा तबीयत उनकी ख़राब रहती थी तो मैंने उस दिन मियां नज़ीर साहब से सवाल किया कि मियां साहब अभी जो आपने को पिछले दो चार को जोड़े लगाए हैं तो मुझे उनका शौक करवा दें। तो मियां नज़ीर साहब ने मुझे कहा कि काशिफ पिछले 5 साल से मैं जोड़े नहीं लगा रहा। अच्छा पिछले 5 साल से मैं जोड़े नहीं लगा रहा। जोड़े अजीम लगाता है जैसे तुम आगे शौक करते हैं तो मुझे ऐसे शौक करवाता है। वाह। और मैं इतना खुश हूँ कि मेरा नाम आगे रहेगा और वो बहुत अच्छे जोड़े लगा रहा है और इंशाल्लाह मेरा नाम आगे हमेशा रहेगा मेरे बाद। माशाल्लाह ये मैं विटनेस हूँ। ये बात मुझे मियां नज़ीर साहब ने कही। बड़ी बात। उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ बता दिया दे दिया। इस दुनिया में जाने से पहले वो 3-1 महीने पहले की वो बात दे भी दिया और आजमा भी लिया। आजमा भी लिया। उन्होंने कहा मैं पिछले 5 साल से जोड़ा ही नहीं लगा रहा जोड़े अजीम लगा रहा है। दूसरी बात मियां साहब बड़े अरसे अलील रहे फिर उसके बाद वो दुनिया से चले गए तो उसके बाद एक घर में परेशानी होती है तो कबूतरों पे इसी वजह से मियां अजीम साहब डेरे वाले कबूतर भी घर ले आए थे कि वहां जाके उनको अलग से तवज्जो या दाना भी करना पड़ता तो पड़ता है। तो मियां नज़ीर साहब के फौत होने के बाद मियां अजीम साहब क्योंकि वो कहते थे कि यार हमें अब्बू जो है ना अपने कबूतरों में ही नजर आते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से तवज्जो दी और तमाम जोड़ों को सम अप करके ना ओरिजिनल उनको लगाए तो वो रिजल्ट है जिसका अब आप कह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर। क्या बात। यानी कि मजीद रिफाइन हो रहे हैं रिजल्ट में भी कलर में भी हुसन में।
बिल्कुल सही है, यानी कि अजीम भाई की इस कबूतरबाजी पे हम ये नहीं कह सकते कि जी अब मियां साहब नहीं है तो हम कहाँ जाएं, बल्कि तो वो बल्कि यकीन करें कि मियां साहब के जेब में कोई 50-60 हज़ार रुपए थे, वो उन्होंने अजीम भाई को गिफ्ट दिए कि तू इतने अच्छे जोड़े लगा रहे। अच्छा, माशाल्लाह, गिफ्ट, क्या बात है, बाप है ना, दिल खुश होता है। अच्छा काशी भाई, ये लाल छाप क्यों दे रही है? ये आ जाती है इनमें कई टैडियों में जो गहरे छापेदार होते हैं, किसी में एक आधी आ जाती है। अच्छा, ये भी सलारी कहलाएगी? सलारी कहलाएगी, और ये जो पहले मादी देखी है उसी की बहन है। अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह, पर देखें नाज़रीन क्या बात है इसके पर की, आंख तो सबकी एक जैसी है, जो क्वालिटी इसकी देखने वाली है, इसका कलर पैटर्न इसका और इसके पर जो है ना, माशाल्लाह। अच्छा, एक अभाम था कि मुल्तान में जो है ना सियालकोटी कबूतर ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो जाहिर बात है सियालकोटी से मुराद तो स्लो पर का कबूतर ही हो गया, तो वो जरा थोड़े स्लो होते हैं, ये जरा तेज करख्त ज्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको चलाना पड़ता है उसके लिए इनको किसी चीज की जरूरत होती है, कि इन्हीं कबूतरों से आप इनको उस लेवल पे मेंटेन कर लेते हैं इनके दूसरी नस्लों में? कामरान भाई, पिछले 4-5 साल से तो आप भी मेरे पास आ रहे हैं जी, कैमरे के सामने के अलावा ऑफ कैमरा भी हम बात भी करते हैं और आप मेरा शो भी देखते हैं जी, जी। आपने मेरा ख्याल है इन कबूतरों से हटके कोई कबूतर मेरी केज में नहीं देखा? नहीं देखा मैं, तो मैं इन्हीं कबूतरों में चल रहा हूँ और मुझे मतलब इत्मीनान बख्श मेरा रिजल्ट है। क्या बात, कोई बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं जो दूसरे नस्लें रखते हैं, कोई गिफ्ट आ भी जाता है, रखता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे ब्रीडिंग में उनको मैं नहीं चलाता, उड़ाने के लिए यूज कर लेता हूँ। ये कामरान भाई, जो पहला जोड़ा आपको दिखाया था ये उसका पट्टा है? अच्छा, जो पहला दिखाया, जो पहला जोड़ा आपको दिखाया, क्या बात है, ये तो आँख का साइन डिफरेंट हो गया बिल्कुल, बहुत अच्छा बन गया। इसके ना बाहर के 2-3 पर खिंच गए थे दोनों साइड के, इसके हाँ, तो थोड़ा सा फिर ये केज में अब जोड़ा लगा हुआ है ना, तो उस तरीके से पर इसके हैं नहीं, नहीं फिर भी अच्छे पर आए हैं। ये एक टिप भी हो जाएगी दोस्तों के लिए आगे मजीद रिफाइन से रिफाइन करने का और एक ही नस्ल को आगे लेकर चलने का। बाप की तरह ही, ये जो मादा है ये दूसरे जोड़े की बेटी है। अच्छा जी, यानी मेरे शौक के अगर दो जोड़े हैं तो ये आगे चल के यूँ समझें कि आपस में आगे बच्चे मिलेंगे, मुझे दोनों बच्चों का सम और उनकी जीन्स, उनका कलर या उनकी जो हरकत और सकनात है वो यकजा होकर मुझे मिलेंगी। ठीक है, और जोड़ा आप भी बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये इसके साथ लगा ना, बड़े जोड़े के ये और अच्छे आगे, बहुत अच्छे बच्चे, आँखों का डायल भी थोड़ा वसी हो गया, शाइन देखे ना, गदलापन भी है लेकिन उसके बावजूद चमक बहुत है। और ये अभी ये ब्रीडिंग में नहीं आए, इन्होंने पहली मरतबा अंडे दिए हैं अभी इस महीने। ये करो कम, ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये उस्ताद सैयद काशिफ अमीर साहब के पास उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले टैडी कबूतर जो हैं वो हमने आपको दिखाए, अब इनमें जो नई चीज़ आ रही है वो आपको दिखाता हूँ। ये बड़ी ये नई चीज़ ही आई है, ये उनमें से ही है ना जी, ये जिसकी हमने पोस्ट लगाई थी। हाँ जी, उन्हीं में से, ये उसका कह लें बाप या उसकी नहीं, वो खुद है जी जी, वो दिखाए तो क्योंकि उसकी डिमांड बड़ी आई है। अच्छा कि जी, वो ज़रूर दिखाने हैं, वो कैसे बने हैं, वो क्या है, वो पूछना भी है। अच्छा, इन्हीं जो आपको बड़े कबूतर दिखाए ये उन्हीं का पर है? तो इट्सेल्फ सलारों का, सलारों का 5-7 साल पहले, 8 साल पहले एक मादा आई थी, उससे चीने बनते हैं। वाह, और इनका डायल उनसे भी रिफाइन हो गया, गोल बिल्कुल, बाहर की तरफ भी उभार भी आ गया। कम करो माशाल्लाह। काशी, कबूतर में आप समझते हैं कि सियान में कोई फर्क आता है किसी चीज से, कोई पॉइंट है सियान का? मेरे हिसाब से तो हर पॉइंट में, हर चीज में सियान होनी चाहिए। सियान यानी जो मैं जो कंसीडर करता हूँ, मेरे ख्याल से तो सियान आँख में ही हम देखते हैं। कैसे पता लगेगा? आँख का इसका रिंग है, रिंग के बाद इसकी जो आई बॉल है, आई बॉल को देखें वो कितने तेजी से सुकड़ती और फैलती है, ये चीज आ जाती है। फिर उस आई बॉल वो आँख में किस जगह फिट है, उसका झुकाव जरा थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए, चोंच की तरफ है कि नहीं है? हाँ,
ठीक है, इसका राउंड बिल्कुल गोल होना जरूरी है, आई बॉल गोल होना जरूरी है। नहीं, ये थोड़े से बैजवी भी आ जाते हैं तब भी ठीक है, बैजवी में भी फिर वो बात आ जाती है, उनमें अच्छे भी निकल आते हैं बुरे भी निकल आते हैं, लेकिन गोल ज्यादा होने बेहतर है। ठीक हो गया। पुख्ता आंख किसको कहते हैं? बड़ा सवाल किया मैंने, नहीं मिल रहा मुझे। आंख किसी भी किस्म की आंख, बच्चे की आंख और होगी, मेच्योर होके आंख कुछ बनेगी, दस्ता साफ करके आंख होगी, बच्चा पालने के बाद कुछ आंख बनेगी, उसी को आप धूप में छोड़ के थोड़ा सा ढला ऊपर नीचे करना शुरू कर दें, उसकी आंख चेंज हो जाएगी। नहीं नहीं, रंगत की बात नहीं हो रही। अच्छा, पुख्त की जिस्म मजबूती, वो कई उस्ताद कहते हैं पुत्र आंख पुख्ता होनी चाहिए। वो आंख की जो पुख्तगी है ना, ये जितनी भी आंखें अभी आपको दिखा रहा हूँ या आगे शो कराऊंगा, वो पुख्तगी बनती है उसके अपना ब्लड जितना ओरिजिनल होगा उसकी आंख भी उतना पुख्ता होगा। अब ये जैसे ब्लड आ रहा है, ये जो चीज़ आ रही है, ये अपने इनके ब्लड में कोई दूसरा पर शामिल पिछले बड़े अरसे से नहीं है। फोन गर्म तो नहीं हो रहा, फिट है? माशाल्लाह, ये वो है जी हाँ, ये है और ये अच्छा भाई, बहुत बहुत तगड़ा रिजल्ट होगा इसका इंशाल्लाह। आपको बताना तो मतलब आपसे ये बात करना ऐसे है जो सूरज को चिराग दिखाना, नहीं, 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 लेकिन ये क्योंकि अपना अपना एक शौक होता है ना, शौक से मेरे मुंह से ये बात निकली है। ये उस्ताद जी से आई हुई है, ये अजीम भाई से कोई 3-4 साल पहले लाया था। अब इसका अच्छा मतलब चीने टेडी जो आवे बेस यहाँ से, जी जी वही से है भाई, मेरा कुछ नहीं है इसमें। नहीं, लोग हमें कह रहे थे कि जी काशी भाई ने बना लिए। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, मैंने यूं कह ले थोड़े से बढ़ा लिए या थोड़ा सा एक्सपोज कर दिए। आप उधर आप जाए कामरान भाई, उधर आपको बहुत चीने टेडी जोड़े मिले। आपने उस दिन भी मुझे फोन पे ये कहा था, बहुत मिले। लेकिन क्या बात है, अजीम भाई ने वो मियां साहब वाली बात है, मादी मादी लगे नर नर। हाँ जी, अब ये देखे ना, एक पॉइंट इसमें बहुत तगड़ा है, मैं बाद में वही जो मैं अभी वो आई बॉल के जो झुकावे की बात कर रहा हूँ, आप देखें और लोगों को बताएं इसमें क्या है। बिल्कुल, ये देखें जी, इसका एक तो आंख का झुकाव बिल्कुल ये आ रहा है, ये और इसकी विराचें भी थोड़ी सी खिंची हुई है पूरी अंदर की तरफ। और दूसरी चीज जो मुझे इसकी एक मजे की लगी ना, वो ये है कि इसकी आंख पूरी फिट है, इसकी पलकों के दरमियान में कोई फालतू गोज खिंचाव छिचाव ये वो कुछ नजर नहीं आ रहा। कामरान भाई अभी आए ना, इनकी पलकों पे भी जरा आप भी गौर करें। और मैं कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल जली हुई और कटी हुई पलक। हाँ बिल्कुल, और सिंगल पलक आ रही है, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात आ रही है। सिंगल मामूली सा कोई फर्क आ भी रहा है तो वो मेरे ख्याल वो आपने खुद ही बता दिया कि ये इससे क्रॉस किया, ये इससे क्रॉस किया, वो फर्क आ रहा है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं आ रहा। और ये तो अब ये बिल्कुल है, ये तो है ही मेन घर की चीज, तो ये तो वहां से है जहां से सारे चले। जी हाँ बिल्कुल। नहीं जी, शहबाज आलम साहब, रफीउल्ला साहब, हम अली वाले, डीजी खान कबूतर, माशाल्लाह सर बहुत दोस्त है, आप देख रहे हैं क्या बात है, बहुत अच्छे कबूतर। ये कामरान भाई अब डब वाले कबूतरों का आपको 2-4 ले जी। उस्ताद नुमान भट्ट साहब जरा आए इसको कबूतर को देखें, मियां साहब वाले कबूतर नुमान भट्ट साहब के पास भी बड़े अच्छे चल रहे हैं जी, 1.25 लाख वाले और ये 5 लाख वाले। अच्छा, ये कबूतर भी उस्ताद जी के हाथ से आया हुआ है। अच्छा, फिर इसकी आपको कुछ आल औलाद और इस तरह के फिर वो जो मैंने बनाया वो भी दिखाते हैं आपको, बड़ा कबूतर ये। अच्छा, ये मियां साहब के हाथ का कबूतर है। अच्छा सर, एक बड़ी मजे की बात है कि इसकी आंख में और आपके बाकी लोगों के जो कबूतर होते हैं ना उनकी आंखों में फर्क आता है। इसके मियां साहब के हाथ के कबूतर, अगर ये मियां साहब के हाथ का कबूतर है, देखे ना जी, ये अल्लाह जानता है और आप जानते हैं और मियां साहब जानते हैं, ठीक है ना जी। इसका आई साइन मेरा ख्याल है कि आज तक जितने डब वाले कबूतर है ना जो मियां साहब के अलावा देखे होंगे उनके सबसे डिफरेंट। और जो मेरे पास कबूतर है ना वो वाला जी। बोंगा जिसको मैं कह रहा था कासिम नंबरदार, वो मुझे समझ आ गया कबूतर। आप कह रहे थे ना कि मैं कहा तो डब वाला ही है। हाँ, तो कामरान भाई अंडों पे है, इसको जरा जल्दी फ्री लें जी, इसको पढ़ लें कबूतर को।
और कुछ इसका पढ़े ना पढ़े तो इसका पर जरूर पढ़ लें। अब ये मियां साहब के हाथ का कबूतर है और ये वही बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, वाह वाह। ये ना ये उड़ना तो किसने उड़ना, क्यों जी फैसल डीसी साहब? इसने अगर नाम ऐसा रख लिया बंदा गलती से कोई गाली भी नहीं दे सकता। हाँ ऐसे वायरल कर दे तो पता चले जी केड़ा। ये जी मैं ये और डिफरेंट लेकर आया था छोटी। अच्छा ये एज वाइज ऐसी होगी आंख एज की वजह से? जी इसकी अच्छी एज है तो इसको मैंने उड़ाया है, मेरे पास उड़ी बहुत है। अच्छा। तो इसके पाँव में जो निशानी थी ना, करो कम, जब उड़े और जब इसको मैं देखूं तो मैं फ़ोन करूं अजीम भाई ये पाँव है, ये निशानी है, ये टक है, तो मियां साहब मुझे कहें कि काशिफ वो मेल में है उड़ाओ। मैं फिर मादी देखूं, वो कुछ साल बाद अजीम भाई आए थे मुल्तान मेरे पास, मैंने उन्हें कहा मियां साहब ये वाली है, कह रहे ये तो गलती से बच्चा जैसे गिर जाता है निशानी से गलत पड़ गई, ये तो असल है। मैंने फिर से जोड़ो में इसकी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी थी, मैंने फिर से जोड़ो में। अच्छा कैसी बात है, लोग कहते हैं जी ब्रीडर और होते हैं, ये लो यार ये मायापुर है ना, लोग कहते हैं कि जो असल होता है ना वो जरा कम वो परफॉर्म करता था, है तो ज्यादा उड़े, और आप परेशान थे कि जी ये असल है, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं असल नहीं होगा, वो असल में जब आके देखा तो जैसे आपने उनके केज देखे हैं, कोई ऊपर से बच्चा नीचे भी गिर जाता है, वो फिर दूसरे जोड़ा उसे चोगा देना शुरू कर देता है, तो उसी का निशानी डल गई, तो निशानी उसे क्रॉस वाली डली हुई थी। फिर जब इधर मियां साहब आए, मैंने कहा जी इसका पूछता हूँ, कह रहे यार ये तो असल अपने बड़े जोड़े की पट्टी है, इसमें तो कोई मेल नहीं है, तो मैंने कहा जी यही मैं पूछता था आपसे। तो मैंने फिर वो फिर हुआ ये था कामरान भाई, ये नीचे वाली छत पे उड़ती थी 2014-2013 में, 2015 में मैंने जब ऊपर छत बनाई तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया इसको छोड़ने का, मैंने जोड़ों में, ये इस जोड़े की पोती है, पोती है जी, ये जो अभी आपको जोड़े का शौक रहा है ये उनके आगे, आंख की चमक ही नहीं मान, इतनी खूबसूरत आंख है, वाह वाह। बहुत ही आला, आप 50 नंबर माती, 46 नंबर, ये 46 नंबर है ना, आप वो ले आओ पहले अपना 50 नंबर की मादी और ना। कश्मीर एक अच्छे पर में क्या क्या निशानियां पूरी होनी चाहिए? तिली बिल्कुल प्रेस हुई भी हो, कबूतर का टिशू सामने, कबूतर का जो टिशू है ये जिसे पेपर कह लें टिशू कह लें, ये बारीक से बारीक हो, ये जी ये अच्छा। तिली बिल्कुल प्रेस्ड हुई भी हो, प्रेस होने के साथ इसमें ना कोई खास तरह का एक पैटर्न बनता है जिसको जी मैं जी, देखता हूँ बिल्कुल, इस तरीके से वो हो, फाइबर अच्छा, उसका फाइबर होता है बिल्कुल, तो उसके अलावा वो बारीक होना चाहिए जी, वो बारीक होना चाहिए और प्रेस्ड होना चाहिए। अच्छा नीचे से जब इसकी हड्डी के आप पलपेट करें तो उसमें सख्ती महसूस हो आपको, और ऊपर की ये जो पर है ये ऐसे हो के स्लिप हो रहे हो, मुलायम, यानी ये मुलायमियत और सख्ती का भी एक इम्तिजाज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हड्डी कैसी भी हो, गोल हो, लंबी हो, सीधी हो, ये भी कोई फर्क है या? देखिए ये बहुत डिबेट वाली बात है, लेकिन इसको जब मेरे उस्ताद नहीं मानते तो मैं भी नहीं मानता। वाह 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 क्या बात है, और उस्ताद की बातों में जो बरकत है वो कहाँ है? वो बस खत्म बात। और सर मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी छोटी हड्डी के शाम तक बैठे हैं, इतने खुले जोड़ों के शाम तक, मैं आपको उड़ने में अपने जो मोहर लग के उड़े हैं। कबूतर खुश्क हो गया, कैसे पता चलता है कि कबूतर खुश्क हो गए आपके? लोग कहते ना कि यार फलां बंदे के ना कबूतर खुश्क हो गए, वो बेसिकली जो होता ही है ना, एक खुश्की तो ऐसे जो आप इसे 2 साल नहलान ना दो इनमें भी खुश्की विचारों में आ जाएगी। जी जी। दूसरे नंबर पे जो असल कहा जाता है ना वो ये होता है कि एक तो तिले मोटे हो जाते हैं और उनमें ये लचक नहीं रहती, बेसिकली वो खुश्की होती है, नीचे से सख्ती ज्यादा हो जो मैंने कहा और ऊपर की मुलायमियत खत्म हो जाए तो वो खुश्क हो, वो कबूतर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सख्त और सख्त हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया। ये लें जी ये अच्छा ये चेंज आ गया जब वालों से कलर, ये चीने कबूतर है, इनका नाम मैंने ब्लैक वाटर रखा हुआ है, तो इनके पीछे ब्लड यही है जब वाले कबूतरों का। अच्छा हर बंदा ही ये बताता है, ये जो मियां साहब से रिलेटेड लोग हैं ना वो यही बताते हैं कि ये जो चीने हैं ये बेसिकली ये डब वाले कबूतर ही हैं, और ये काशिफ भाई ने इनको ब्लैक वाटर का नाम दिया हुआ, इन
इंतहाई शानदार कबूतर है, कैसे लगे? नकोड़ा बहुत अच्छा, आंख बड़ी अच्छी है, रिंग आंख का कलर उस्ताद बाबा सिकंदर साहब देखें तो बताएंगे जरूर। वाह वाह वाह, नहीं जी वलीद खान साहब आ गए, वहीद खान साहब आ गए हैं। नहीं जी इसका पल्ला देखें, मुझे पर खोलने नहीं दे रहा, इसलिए ये पर ना यहाँ से बाहर आ जाता बार बार, अथरा हुआ भाई ये मेरे ख्याल, पकड़ते पकड़ते नहीं ना वैसी पेयरिंग वाले कबूतर है भाई। ये हमने भी सीखी है ये बात, ये ना यूं फिर मेरे का नहीं पीछे विकास भैया पीछे भी कर गया फिर आगे कर दिया। वो जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना जी कि भाई फला कैसे है, वो ये रंग है। अच्छा सही है ठीक है, चलो वो गवाही यहीं पे होगी, खत्म होगी ना बात ही। और ये यही ये चीज ये चीज ये यही आ रही है ये चीज। ये समझे वहीं का सही हो गया। उधर आ गया। अच्छा ये अचानक यहाँ पे ना काशी भाई की छत पे झटका जरूर देता है, ये हर दफा मेरे साथ होता है। इंटरनेट ना अच्छा आ गया फिर दोबारा। नहीं जी ये देखें जी ये माशाल्लाह, ये काशी भाई ये भी चीना क्या लाएगा? ये डब वाला चीना का बोलता है, ये अजीम भाई से आया भाई। अच्छा डायरेक्ट अजीम भाई से आया, बड़ी बगल है जी, बहुत साइज है कबूतर का, पल्ले का लेंथ है पूरी। और ये पर की क्वालिटी भी देखें कैसा कमाल के पर है। मुड़ा हुआ इसलिए वाह वाह, जामनी पंजे गहरे पुख्ता। उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब भी देख रहे हैं तो ज़रूर देखें जी, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब, कबूतर ज़रूर देखिएगा जी, बड़े अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब, कासिम नंबरदार साहब, नहीं जी ओ खैर अदाएं, कभी अदाओं पे भी मरे हैं कबूतर? हाँ अदा, वो मैं बता रहा हूँ ना कि एक कबूतर हो उसमें परवाज बहुत ज्यादा उड़ता बहुत हो तो साथ में हुसन भी आ जाए तो फिर क्या बात, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी रंग से हमें क्या लेना देना, मैं कहता हूँ जी ये बात गलत है। हुसन भी देखें, ये नेजाबाज लोग हैं घोड़े रखते हैं, वो ठीक है जी वो घोड़े भगाते हैं सब कुछ है, लेकिन घोड़ा वो वही रखते हैं जो खूबसूरत, ठीक है उड़ते हैं सब कुछ है, लेकिन ये है कि रंगीन कबूतर बड़े कम होते हैं जो परवाज भी उनकी पूरी हो जी। अब उसी की तरफ जा रहे हैं सर, ये एक दो और दिखाएंगे उसके बाद हम वहीं चले जाएंगे, ये मेरे ख्याल तकरीबन उसके नजदीक पहुंच गए हम, छट्टों वाले और तस्वीर वाले। हमजा सईद खान साहब, हमजा ये खुरम सईद खान साहब का साहबजादा, यहीं पे शागिर्द हुए मिर्ज़ा आमिर बेग साहब, जी 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 वही हमजा जी जी जी। ये कामरान भाई बड़ा जो डब वाला जोड़ा दिखाया था ना जी, ये भी उसकी पोती है, वो जो गहरी थी उसकी बहन है, ये अगली झाड़ में उसी तरह गहरी हो जाएगी। अच्छा। और ये पूरा पेयर मैन है, वो नर था ये मादा, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी मादा ही पकड़ लिया। वो वाली वो वाली अभी कासिम भाई वाली नहीं दिखा रहा? अच्छा अच्छा वाह वाह वाह,
डीसी भाई जो है वो नुमान साहब की कमी महसूस तो नहीं होने दे रहे? नहीं जी, ये कभी भी नहीं होने देते। चले फिर ठीक। हाँ जी, पूरा पूरा पल्ला लेंगे। हाँ ये इसका पल्ला डिफरेंट है काशी भाई, ये क्या बात है, बहुत यूं, ये बड़ा शेप है, ये घर की पट्टी? जी जी घर की पट्टी। अच्छा, जितनी की वो लग रही है ना अथरी, उतना हाँ, ही पल्ला हाँ, उसका पल्ला भी है। और ये भी मैं तो कहता हूँ ये भी बैलेंस है कि जितना वो खुद जिस्म से जिस्म के साथ अदाओं से नाज से जो उसमें अथरापन है ना वही उसके पर में। तो ये क्या क्या फर्क है? ये मेरे हिसाब से ये कबूतर आपके सिर्फ ब्रीडिंग में ही काम आते होंगे, उड़ाते नहीं आप इनको? नहीं नहीं, ये जोड़ा भी रोकने वाला ही जोड़ा बना। हाँ रोकने वाला है बिल्कुल सही। ये ले, ये आ गए जी फिर से दोबारा हमें। अच्छा ये चीनों में लगाई हुई है? ये चीनों में लगाई हुई है, अब इससे दोनों काम होंगे, डबले भी बनेंगे चीने भी बनेंगे। और इन्हीं कबूतरों में? इन्हीं कबूतरों। ये आ गए जी रेयर कलर जो है ना, और ये आखिर में आपको ज्यादा सोने की तरफ नहीं जा रहे, खरे सोने की तरफ? ये मतलब बड़ी अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि जो आगे बन रहे हैं वो बेहतर ही बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सख्त लकड़ी मैंने पकड़ी हुई और उसके ऊपर वो उस्ताद कहते नहीं थे रेशम चढ़ा हुआ। हाँ हाँ, और वही मैंने भी बात की वेट है, नीचे से सख्त हो, वजन कम हो, परों में से मुलायम हो। वाह 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 वाह, कम करो जी। नादिरुल हसन साहब कैसे हैं आप? वाह जी वाह काशी भाई, ये कामरान भाई दीवाना कर, ये जोड़ा भी रोकने के लिए लगाया है ये वाला। ये अभी तो इसकी मादी दिखा रहा हूं ना, ये भी लगाया वो भी पहले जब बहुत कौन है तस्वीर वाला वो भी लगाया। हां बस एक आधा चीना और दिखा देते हैं। नहीं नहीं चीने नहीं, उनमें ही आ जा। अच्छा चलें, ये जोड़ा पूरा बहुत तगड़े हो गए कबूतर चीने। इसकी मादा आपको इसकी मां दिखाता हूं आपको। हां मां दिखा दे, मैं शो कराता हूं। ये 51 जोड़ा हाँ हाँ जी, ये किसी भी छत पे कबूतरों को अगर संवारना है ना तो ये एक जोड़े की एक पट्टी बहुत है। इस जोड़े ये जो कबूतर काशिप भाई ने दिखाए हैं ना सारे, ये चाहे आप इनको टैडियों में डाल दें, चाहे इनको ये जितने भी कामरा में डाल दें, आपको दिखाए हैं ना गोल्डनों में भी डाल जाएंगे, बिल्कुल असल है, इनमें कोई क्रॉस नहीं है। किसी भी छत पे मैं कह रहा हूँ कि जो कबूतरों को संवारने के लिए ना, जिनके लोगों के पास कहते हैं कि जी क्या करें हम, परवाज नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा यार, इनका एक बच्चा बहुत है। अच्छा टेडी देखे आपने, डब वाले चीने जो भी देखे आपको, नीचे से साइज एक ही देखा, कमाल। ये जोड़ा तो आपका इंतहा का लगा हुआ। ये इस जोड़ा का जो नर है उसकी माँ है। ये वही वाली माता नहीं? जी जो मैंने अभी आपको ले जी, ये जो अभी नर दिखाया उसी की माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्रार मलिक साहब, सिद्दे हसन साहब, अकरम अमान साहब, करें भाई कम। फैसल डीसी साहब हमारे साथ लगे हुए हैं इस वक्त, रुमान यूनस साहब आज है नहीं हमारे साथ। वाह 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 वाह। अच्छा आपके पास ना जो डब वाले हमने देखे, एक चीज का फर्क है जी कि लोग कहते हैं जी इनकी आंखें फीकी होनी चाहिए, आपके पास इनकी आंखें पूरी हैं, तेज आंखें जैसी होनी चाहिए डब वालों की, जैसी सुनी है जो मेयर साहब वाले दिखाए। हाँ, तेजी के साथ जमीन उसकी फिर उसी तरह वाइट हो। नहीं नहीं वो बात सही है, मतलब ये लाल आंखें हैं। अब लोग दिखाते सफेद सी आंखों में, फीकी आंखों में, गुलाबी आंखों में, उसमें मैं फिर अब क्या कमेंट्स करूं।
है तो नहीं, वो क्या क्रॉस करने से बनते से होके होगा। अब मैं आपको ये नर दिखा रहा हूँ और जितने ये चीने कबूतर मैंने दिखाए हैं उनका बाप दादा पर दादा पर नाना तो सब ये सब ये है, इससे बने हैं। इसी का नाम ब्लैक वाटर रखा गया था। अच्छा, इसका रखा इसका गया। रखा 2009 में आतिफ, ये नीचे था पहले। जी जी, 2009 हाँ। में आतिफ शागिर्द हुआ था मियाँ हाँ, साहब का, उन्हें मिला था। तो ये आतिफ को गिफ्ट दिया था मियाँ साहब ने। उस वक्त मेरे पास चीने कबूतर नहीं थे, टेडी और गोल्डन उड़ते थे। तो इनके इसके बच्चों ने उड़ के जब साबित किया कि वो मकसद है कि उन जैसा है या उनसे भी अच्छे हैं, तो ये कामरान भाई ये एक बहुत प्यार लाड और मोहब्बत अकीदत वाला मेरा कबूतर है और ये पूरी एक किताब है। मैं चाहूँगा ये आतिफ भाई की शागिर्दी है पूरी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये मैं चाहूँगा, फिर वही बात आ जाएगी कि देखिए उस्ताद के हाथ का जो खुद बना हुआ है, तो इसकी आँख नीचे दुम, इसका ये रेशम, इसके पंजे, ये दोस्तों को आप शौक कराएं, ये कबूतरबाजी सीखने के लिए ये एक ऐसी चीज़ सबसे बड़ा कबूतर। लें जी देखें जी इसको, ये मेन ब्लैक वाटर कबूतर। नहीं जी, द्रीस सिकरे अली, द्रीस मुगल सिकरे अली और जितने भी दोस्त अब हैदर शाह साहब, कल हमारी बात हो रही थी एक आंख पर, तो ये देखें बिल्कुल ये वो आंख है, देखें जरा, ठीक है जी। अब इसका कलर देखें, क्या खूबसूरत कलर है ये। पर मुज्तबा भाई आपके पास एक कबूतर है जंगल वाला, माशाल्लाह उस जैसा कलर है इसका, ये जो शेड है दुम का कैंडा देखें, बैलेंस देखें ये। मतलब इसका बच्चा अगर किसी एमए मादी से भी निकला है ना, गलत मादी से, तब भी उसने शाम करनी करनी, इतना अच्छा पर हड्डी ऐसा है जैसे, अच्छा ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ए, यूं है सीधा, लेकिन जोड़ इसके बिल्कुल हड्डी के साथ है। ये पूरी किताब है, क्या बात है। और ये हिस्ट्री मेकर कबूतर है। और अच्छा, इसे आपने ब्लैक वाटर तो बनाए हैं, और कोई मादी भी इसे ट्राई की? नहीं, और मादी मैंने इससे काफ़ी ट्राई की, लेकिन वो मैं अभी जो मादा मैंने इससे लगाई हुई है जो बड़ा, नहीं कभी गोल्डनों में किया इसको? नहीं, गोल्डन में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? पीछे से डब वाला पर है इसलिए नहीं डाला। तो डब वाले को गोल्डन में कभी भी नहीं डालते। अच्छा अच्छा, दूसरा ये है कि इसका बाप नहीं डालते, हमारे उस्ताद नहीं डालते, वो लोग नहीं डालते। अच्छा, कभी डाला ही नहीं, कभी उनके पास नहीं जोड़ा देखा जो डब वाला और गोल्डन लगा हुआ। कभी तजर्बा तो करके देखेंगे, जरूर कर लेंगे, लेकिन वो रोकने वाले ही बनेंगे आगे। वही उड़ा तो नहीं सकते, नहीं खूबसूरत भी बड़े बनेंगे। ये कबूतर की क्या बात, इस कबूतर को पंजे दिखाएं? दिखाएं सर, दिखाएं पंजे भी दिखाएं। मैं अभी वही बात मैं कर रहा था, चला जी डरावा है, इसकी टक भी है अभी तक। इसका बाप भी फिर हमने जाके देखा, मियाँ साहब ने इसका उधर नाम था कालू शाहपुरिया, इसका बाप था। अच्छा, कालू शाहपुरिया मियाँ साहब कहीं से लेकर आए थे, वो शाहपुर से आया होगा, शाहपुर से आया होगा। सही बात है। इसके कामरान भाई ये नीचे देखे दो कुंदे अगर आप काट देना कैंची से, इसका आठवां पर ऐसे लगेगा जैसे दसवां पर। बहुत तगड़ा कबूतर है सर, मजा आ गया। ये जो वेट इनमें नहीं आ रहा ना ब्लैक वाटर में, मेरा ख्याल ये इसी की खसलत है, इसकी खसलत है वो, मतलब हाँ दुम का जो इसका है ना पॉइंट बहुत अच्छा। तो इसके जितने चीने दिखाए हैं, इसके बेटे पोते हर नवासिया सब इसका है इनमें से। और ठीक है, ऐसे कबूतर भी होंगे इनसे भी अच्छे होंगे, लेकिन इनको इनको मेरे उस्ताद के भाग है बस, इनसे आगे मैं कुछ कहते ही। क्या बात, अभी हम इनको गोल्डन दिखा दें जी, मैं आप तीन चार हमें गोल्डन दिखाएं, जरा मजा आ जाए, फिर खड़े ना हो जाए यार, काफी है ना लाइट में आधर जी सी भाई, मुझे दे दे बल्कि तेरी यहाँ पर नजर। हाँ ओ, बचत हो गई, बचत हो गई।
ले जी आपको ये कबूतर दिखा रहा हूँ, और उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब के कबूतर है, ये देखिए भाई तुम्हारी मेहरबानी है, यहाँ पे ये जी उस्ताद सैयद काशिफ हमीद साहब के चीने कबूतर या ब्लैक वाटर जिनको कहते हैं, ये वो है, बहुत ही रिजल्टेड है। अच्छा जी अपने कबूतरों की आप ही तारीफ सैयद अरीब काशिफ साहब। लोगों के कबूतरों की आंखों में पॉइंट बता रहा होता है ये, माशाल्लाह पिजन्स में नहीं है। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ये सर अभी पीछे वीडियो में हमने काशिफ भाई से वो पूछा था डब वाली मादा पकड़ के, काशिफ भाई ने उसकी मिसाल भी दी है तीली को जज करने का, तीली के बारे में हर चीज बताया चुके हैं, और ये एक आधा टिप ही होता है, दिखा दिए सर। ये देखिए वही आ रहे हैं, ये देखे ना ये तीनों इकट्ठे लाइन में आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्त अब आप इनका, इतने अच्छे कबूतर हैं ये, वाह वाह। और ये रेड आइज बच्चे को शौक कराएगा, नौ नंबर गोल्डन मैं देख लेता हूँ अभी, नौ नंबर गोल्डन भी नहीं जी, तो टेडी चीने बनाए हैं, इनकी उम्र देखें और इनकी आंखों की शफाफियत और चमक देखें, खोल रहे हो ऐसे, ये देखें क्या बात। कैमरा ने बगैर उड़ाए मैं जोड़ों में भी नहीं डालता, पहले इनका फेंटा लगेगा, लेबोरेटरी भी तो अपने पास था। अच्छा ही जरूरी है जी उस्ताद राना इमरान साहब, हमारी वापसी इंशाल्लाह मंडे को है, माशाल्लाह। आओ जी फोन ये हैं छोटे फोन, तो ये बड़े फोन ये हो जाते हैं जरा गरम जल्दी, उससे पहले आ गया ये, यहाँ थोड़ी थोड़ी ना जगह का फर्क आ जाता है, वहां पे नेटवर्क एकदम, हाँ यहीं पे खड़े होके दिखाते हैं। हिट मारने वाले, जल्द तैयार होने वाले और टाइम लेकर तैयार होने वाले प्रदीप करकी साहब, सर बहुत शुक्रिया। कबूतर का फिजिक्स क्या? वाह अब ये क्या है? ये छट्टों वाली मादी है, बड़ी छट्टों वाले, माशाल्लाह बहुत ही तगड़ा पर है ये, इसको और खोल लें, ऐसी रखी क्या बात है, शाइन भी बहुत तगड़ी खूबसूरती माशाल्लाह। ये भी मियां साहब की तरफ से ही आई वेट आ रहा है यार, इधर आई। अच्छा आपको एक चीज दिखाऊं, बखड़ो सर इधर, ये जरा दिखा दे रहा हूं आपको, आप इधर हो जाए ना, धूप पड़ने दें, ये आंखों की चमक वाली, ठीक है जी आ जाओ आप इधर, एक मिनट में मैं दिखाता हूँ, तब देखो आ जा इधर, ऊपर से लाना है, ऊपर से कैमरा लाना, कश भी देखें जरा कोई डिफरेंस आ रहा है आंख में, एक मिनट दोबारा कर, हाँ ये जूम कर रहा, नीलापन कितना आ गया आंख में, जूम कर लेना पुत्र ये होगी, बहुत और बड़ी बाकी बात उसकी सही है, इसमें हम ना अभी बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक क्या था। अच्छा जी ये भी छट्टों वाले जी गोल्डन, माशाल्लाह वाह वाह,
तिखे परों के कबूतर हैं बड़े, ना माफी देने वाले कबूतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी छट्टों वाला जी, ये तीसरा जो है ये नाम ही रखे हुए, इन्हीं से तस्वीर वाले भी निकल आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काशी भाई ये देखे ना, ये जालदार भी छट्टों वाले टाइप ही है ना, ये ऊपर जो बैठे स्लेटन। जी जी जी, ये इधर आ जाइए, जहां से डायरेक्ट ही आ रही है। हाँ ये देखिए, माशाल्लाह क्या बात, स्वाद आ रहा है आउट क्लास। उस्ताद सैयद काशिफ अमीर साहब के पास मुल्तान में आपको कबूतर दिखा रहे हैं उस्ताद मियां अजीम, मियां नजीर साहब वाले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्वाद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इन कबूतरों में, ये प्योर और आना भी चाहिए। वाह, ये जी तस्वीर वाले प्योर, माशाल्लाह क्या बात है। बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह। ये इसकी इसी की जी, वाह पर कोई इधर करना चाहूँ मैं, है ना। फैसल डीसी साहब आज मज़ा ले रहे हैं हमारे साथ हाई फ्लायर कबूतरों का। क्या बात है, कोई कबूतर ना बाज का दिल में बैठ जाता है, उसको बंदे को पूरा देखना चाहिए, कमाल इंशाल्लाह। ये मेरा ये छट्टों वाला जो जोड़े दिखाए थे ना, जी जी, उनमें से ये स्लेटे निकलते हैं। ये स्लेट अक्सर कहता हूँ कि इस स्लेटेपन को काला कर दे तो ये वही गोल्डन कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी असल भी बना लेता हूँ, फिर आगे क्रॉस डाल के उड़ाने में मेरे बहुत काम आते हैं। वाह, कामरान भाई ये इधर शो करवाएं दोस्तों को, ये सारी जोड़ों से जो रेस्ट पे डाली हुई है। एक मादा दिखा दें, वो उस दिन दिखाई थी अरीब ने, अरीब था ना ऊपर उस दिन साथ हमारे, वो स्लेटी। हाँ वो मेरा कल वो बैठी है कांटों वाली थी। इधर ही है ना, इधर देखिए एक साइड पे ना आ गई, हल्का कांटा भी है। हाँ ये वाली है, ये भी मादा नहीं है, नहीं सारी ये। हाँ ये और इसी
हाँ जिसकी बेटी मेरे पास, उसने बताया मुझे कि भाई इसकी बेटी है। नहीं जी ये वो मादा है, इसकी बेटी मेरे पास। तो अमूमन मैं आपको स्लेटन दिखाता हूँ और ये थोड़ा ज़रा हल्की आँख में, वो थोड़ा मेरे ख्याल नर के साथ उसकी आँख थोड़ी तेज़ हुई है। कुछ नहीं होता, आप भी खूबसूरत नहीं, अगर आ गए तो क्या हो गया। हाथ नीचे करें जरा, धूप आए माशाल्लाह, क्या बात, वाह वाह वाह, एक जैसा पर माँ बेटी का। जी ये हैदर शाह साहब देख लेंगे, ये भी माता बहुत क्लास की माता है। ये कामरान भाई एक पीछी जोसली माता है, वो भी बड़ी क्लास की माता। जितने गोल्डन है और ये स्लेटे हैं उनका जो जद्दे अमजद है वो ये है, जो अभी मैसेज आया था कि 9 नंबर के शौक है जी जी, बाप दादा परदादा सब जो सब की अच्छी वाले कबूतर, लाल तार वाले होते हैं ना, ये वो पुराना कबूतर है। अभी चल रहा है ये कि फारिग हो गया? अभी तकरीबन फारिग हो गया, हाँ एज काफी लग रही है। हाँ जी, ये जी मेन बार डाला है तो इसने फर्टाइल नहीं किया, मेन जद्दे अमजद। इसको इसको दे दें नीचे वाले को। अच्छा छोड़ दे जरा, सही कह रहे हो, काट के दे देते हैं। हाँ। सही कह रहे हो, जोड़ा लगा के छोड़ दे। क्योंकि अगर अभी पहली दफा ही हुआ है ना, हाँ जी, फिर ये काम वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन उस्ताद सैयद काशिफ अमीद साहब के जो कबूतर हैं वो इतने अच्छे और इतने रिफाइन कबूतर माशाल्लाह इन्होंने, और जब मैं आता हूँ ना तो हर दफ़ा एक नया मज़ा और नया जो है ना शौक देखने को मिलता है हर दफ़ा। ये इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ही जगह टिके नहीं रहते, ये अपने कबूतरों के साथ उस्ताद सईद, उस्ताद साहब के बाबा साहब रविंदर साहब अमेरिका वाली छत, हैदर शाह साहब देखें जी, मैंने आपको बताया कि वो एक फिक्की जौंसरी माता दिखाई थी माशाल्लाह बड़ी पसंद आई, वो बीच में लाल अखी जो दिखाई है वो जोड़ा लगा हुआ माशाल्लाह बड़ा बड़ी अच्छी मादा थी, मुझे बड़ी पसंद। एक ये मादा देखें जी, क्या बात है इस मादा की, ये मादा नज़र आ रही है जी, साकिब बाबा साहब कैसे हैं, ये मादा बहुत तगड़ी मादा माशाल्लाह, सारे कबूतर ही बहुत अच्छे हैं। ये सारी मादियाँ हैं, क्या बात, बहुत आला। अच्छा काशिफ भाई जोड़े अब तोड़ देंगे आप इन दिनों में? कैमरा में जोड़े लगाए हुए हैं मैंने कुछ। अच्छा नहीं अभी सर्दियों में तोड़ेंगे कि लगे रहेंगे? नहीं ये तो असल में तो ये ब्रीडिंग का सीजन यही है। अच्छा मई जून जुलाई में तोड़े थे ना? नहीं धुंधों में फिर जरा बच्चे नहीं पलते लोगों के पास, उसकी क्या टिप है? उसकी टिप यही है कि वो जो आपने पहले दी है, हाँ एक तो डाइट अच्छे से अच्छी, दूसरे ये है कि आपने तमाम अगर अंदर से दिखाया है तो गर्मी के लिए वेंटिलेशन और टोटल मच्छर जाली है कि मच्छर से भी बचत हो जाए। हाँ मच्छर तो खैर अब जब धुंध ज़्यादा शिद्दत से आती है ना सर्दी तो फिर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो मसला आता है ना काशी भाई वो ये आता है कि कबूतर सर्दी में बच्चा अगर पाल रहा है ना वो पता नहीं चलता, कालकों में तो हमने जाके देखना नहीं, वो पौ में होता है, पौ में जो एक जाम कर देते पोटे जाम हो। हाँ ये बड़ा प्यारा कबूतर है माशा, ये जो बूढ़ा है उसका बेटा है ये। हाँ ये देखेंगे कैसे, हैदर साहब के पास जो लाल है ये उसका बाप है। अच्छा हैदर शाह साहब के पास जी? हैदर देख रहा है। अच्छा हाँ ये उसका बाप है, आगे तस्वीर वालों में डाला हुआ था, आगे इसको चीनों में भी डाल देता हूँ तस्वीर। ये इसके अंदर स्लेटों का भी पार है और इसके अंदर चीनों का भी पार है। अच्छा ये मुल्तान की अच्छी खासियत है कि वाह वाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है इस वीडियो का, ये देखें जरा। हाँ जी वहां से हमारी ब्रेक भी है, रहने दे।
माशाल्लाह बहुत आला। बहुत आला कबूतर है। लेकिन नाज़रीन तो ये सारे कबूतर आपको दिखा रहे थे जनाब उस्ताद सैयद काशिफ अहमद साहब के, इनको ऐसे ही दिखा देते हैं। सिलेक्टेड से हम रखते हैं, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाते। ये हमारा पूरा स्क्वायर्ड है जो असू और जेठ और उसमें सारा टोटल यही है। अच्छा, असू हो चाहे जेठ हो, ये टोटल यही है। यानी असू जो अभी जो विनर स्क्वायर्ड है वो भी इसी में है। आने वाले जेठ के कुछ पुराने कबूतर हैं, कुछ नए ऐड हो गए हैं। एक कबूतर का शौक करवाता हूँ जो जेठ में हमारे पास बहुत लंबी फवाद उसने दी है, दुम काटे में। अब ये डब वाले के साथ टेडी क्रॉस किया है हमने। वाह, ठीक है। आंख में थोड़ा सा फर्क आ गया है, कलर डब वाला बन गया है, लेकिन क्या है परवाज भी बढ़ गई, जिस्म भी बढ़ गया। कितने बजे तक तकरीबन बैठा ये? अच्छा बैठा है, लंबा बैठा है, शाम तक बैठा है, बहुत शदीद गर्मी में। प्योर आपको जेठ के कोई काले कबूतर का शौक कराएं, ये काला ही था भाई। हैदर भाई, अच्छा पूरा काला, पूरे काले, पूरा काला भी दिखा दो। ये प्योर टेडी कबूतर है, इसकी आंख का डाइम देखें कितना वसी है, माशाल्लाह। और वही जो कलर मेरे टेडी कबूतरों का, वही सलारा है, बिल्कुल बहुत अच्छी। दिखा दें जी ये काला, पकड़ लें जरा। काले तो जी ये चीनों को जब आपस में मिलाते हैं ना तो ये निकल भी निकल आते हैं। हैदर कासिम अवान साहब, सर अल्लाह का शुक्र, मोहम्मद वकास कानू साहब, क्या बात है, पूरा रंग। ये मादा नर है? नर ये भी नर है। वाह माशा, बस सलेटा दिखा, ये दिखा दो। ये काले हैं, ये तो सिलेटा है। एक दिखा दो, लोग कहते हैं ना कि यार सिलेटे बस नहीं खूबसूरत जरूरत है। ये जेठ के स्क्वाड का, पिछले जेठ में उड़ा हुआ है। अच्छा, और बिल्कुल असल है, कोई इसमें क्रॉस नहीं है। नहीं जी जनाब, हैदर शाह साहब, चौधरी शहजाद साहब, उमर मलिक साहब, ये देखें जी ये उड़े हुए कबूतर हैं जेठ के। बगल का साइज आप देखें, पर देखें, तुम का कलर देखें, कहीं से भी कभी आउट नहीं है, बहुत शानदार। ले जी ये हम शौक करवा रहे थे जनाब सैयद काशिफ अहमद साहब की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि ये शौक आपको पसंद आया होगा। और काशिफ भाई के भी शुक्रगुजार हैं, काशिफ भाई ने हमें शौक करवाया। काशिफ भाई आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि ये आपने शौक करवाया। और जाते जाते शो स्टॉपर आपको दिखा दें जी, माशाल्लाह। मेरा बिलीव है कामरान भाई के, इनको जब भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है, मैंने उड़ने वालों में से नरियाबादी ब्रीडिंग में डाला है, तो वो आगे फिर चलाते हैं। देखिए इसमें क्या कमी कर पाई है। बहुत शानदार, चेहरे बड़े खूबसूरत हो गए, और यही उड़ रहे हैं जिसके अभी नौवीं दसवीं कली में आ रहे हैं। अल्लाह ने चाहा ये हर यानी अपने उसमें पूरा उतरा है, तो आगे जेट में पूरी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। काशिफ भाई आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हमेशा कितना आतिफ अहमद साहब हमें कमेंट में ही वेलकम करते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो सबसे पहला कमेंट उनका ही था कि जी अगला जो इंशाल्लाह जब आए तो आतिफ से कमिटमेंट लेंगे कि वो साथ। हाँ जरा आतिफ भाई के भी जरा ब्लैक वाटर बना के खुद गायब हो गए हैं, खुद काले पानी चले जाते हैं, तो वो जरा कभी आतिफ भाई को भी जरा पुराने का हो जाएंगे। हाँ वो हाँ बाकी वो ये कहता है कि ये जो है ना ये कबूतरबाजी जो है, कह रहा है क्या यार, कह रहा है मैदानी कबूतरबाजी जब हो तो मुझे बुला लिया करो। अच्छा ये भी सही है। निकाशी भैया आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, कीमती वक्त में से आपने बड़ा टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आएंगे आपके पास और अच्छा शौक करेंगे, और आतिफ भाई से भी तफसीलन बात होगी। व्यूअर को कोई मेरी बात, मेरी अपनी राय है, अगर किसी को कोई डिसएग्री हो तो उसके लिए माजरत। नहीं नहीं सर, क्यों आप जैसे लोग अगर राय नहीं देंगे तो हम सीखेंगे कैसे? नहीं सर,
हर इंसान मैं तो समझता हूँ मुझसे ज्यादा ही अकलमंद है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। आपके सीनियर आपसे अकलमंद हो सकते हैं, हमारे लिए आप जैसे जितने भी दोस्त हैं ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए नेमत है। तो सर लें जी, इसके साथ ही हमें दें इजाज़त।